लगातार पेपर लीक की सरकार है, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। संसद का पहला सत्र, संसद का आज पहले इस नई सरकार का संसद का पहला सत्र चल रहा है, वहीं संसद के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन, नीट के एग्जाम को लेके री नीट की मांग, और पुलिस ने धक्का मुक्की करते हुए डिटेन करना स्टार्ट कर दिया है। यह सरकार पेपर लीक की सरकार है, यह सरकार छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। जब ऐसे छात्रों के पेपर सही नहीं करा पा रहे हैं, क्या देश खाक चलाएंगे? पेपर भी बेचने का काम करती है, देश को बेचने का काम तो कर ही रही है। जब तक हम लोग को हमारा हक नहीं मिला, तब तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और जेल जाना पड़े जेल भी जाएंगे हम लोग। इतिहास का पहला धरना प्रदर्शन है कि जब जंतर मंतर पर इस प्रकार से पुलिस के द्वारा बलपूर्वक तरीके से मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और अभी हमें संसद मार्ग पे एनएसयूआई ने आज संसद घेराव का कार्यक्रम रखा है, और हमारे साथ एक एनएसयूआई के सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मांग पूरी की जाए, हमारे साथ जैसा दुर्व्यवहार किया है इन लोगों ने, हम शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से धरना रखे रहते, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए गए, हमारे कई साथियों के सिर में लगा, कई साथियों को चोट लगी, और जो दुर्व्यवहार किया ये निंदनीय है। और हम लोग स्टूडेंट हैं देश के, कोई ऐरे गहरे तो है नहीं, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। लेकिन अभी भी एनटीए जो है एक महीने का लगभग होने वाला है, जो है वो पेपर लीक की बात नहीं मान रहे। चोर अपने आप को चोर थोड़ा ना कहेगा, अब चोर इन लोगों ने क्या किया, एनटीए के ही खुद अधिकारियों को जांच करने के लिए रख दिया। अब खुद चोर और खुद कोतवाल कैसे बन सकता है? खुद कोई चोरी करेगा और खुद उसकी जाँच कैसे कर लेगा? मान लीजिए मैंने चोरी की और मैं खुद कैसे अब खुद की जाँच कर लूंगा? ऐसा तो संभव नहीं है। आज संसद का पहला सत्र चल रहा है, संसद में जो है सांसद शपथ ले रहे हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर, हमारी बात मान ले। अब इनको मिनिस्टर किससे बनाया? हम ही लोग ने बनाया ना, हम ही लोग ने इनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ भेजा है, हम ही लोग ने इनको सांसद बनाया, इसी कारण मिनिस्टर बने। हमारी बात नहीं मानेंगे तो मतलब कैसा ये दोहरा चरित्र है? तो हमने सुना है एनएसयूआई के लोग जो है लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए यहाँ किस तरह से जो है आओ मोदी परीक्षा पर चर्चा करें। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपको पता होगा कि आज हम लोग अपने नीट के री एग्जाम को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग अपनी आवाज को लेकर संसद तक जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग को जंतर मंतर पर रोक दिया गया है। ये इतिहास का पहला धरना प्रदर्शन है कि जब जंतर मंतर पर इस प्रकार से पुलिस के द्वारा बलपूर्वक तरीके से मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। मेरे मेमोरी में आज तक जंतर मंतर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। जंतर मंतर एक यहाँ पे देखिए ये एक विरोध प्रदर्शन का जगह है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लोग अपना विरोध करने नहीं दिया जाएगा तो लोग कहाँ विरोध करेंगे, अपनी आवाज लोग कहाँ पहुँचाएंगे? आप देख सकते हैं किस बार लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन छात्र डरने का काम नहीं करेगा। जब तक हम लोग को हमारा हक नहीं मिला तब तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और जेल जाना पड़े जेल भी जाएंगे हम लोग। तो सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में है, और किस तरह से देखिए अब जो है पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है, एनएसयूआई के जो लोग हैं उनको डिटेन करना शुरू कर दिया है पुलिस ने जंतर मंतर पे। आज जो 24 जून को पहला सत्र चल रहा है संसद का, और बाहर जो संसद के बाहर एक बड़ा बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नीट को लेकर, नीट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और एनएसयूआई के लोग जो है We want NSUI जिंदाबाद। जी जिस तरह से पुलिस ने जी हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि नीट 2024 के अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, उसकी जांच की जाए, जांच के अंदर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चौधरी जिंदाबाद। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने जो है अब एनएसयूआई के लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है, जंतर मंतर पे पुलिस ने जो है अब इनको बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने टांग कर जो है एनएसयूआई के लोगों को बस के अंदर जो है डिटेन कर रही है। संसद का पहला सत्र, संसद का आज पहले इस नई सरकार का संसद का पहला सत्र चल रहा है, वहीं संसद के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन, नीट के एग्जाम को लेकर री नीट की मांग, और एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो अपनी पूरी शक्ति आज लगाया हुआ है, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है। ये सोचने वाली बात है कि संसद का जहाँ पहला सत्र है, आज पहला दिन है, वहीं संसद के बाहर किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगातार पेपर लीक की सरकार है, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से जो है पुलिस ने धक्का मुक्की करते हुए डिटेन करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो है सालों भर मेहनत करके परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पे देश भर में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश भर में बच्चे यहाँ पे परेशान है, साल भर
साल भर परीक्षा देते हैं नीट मेडिकल का, नीट पीजी का, यहाँ पे जो एग्जाम और यहाँ पे नेट जेआरएफ का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत परेशान है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे कन्याकुमारी हो या मणिपुर हो या आसाम हो, हर जगह लोग बहुत परेशान है साल भर में। तो किस तरह से जो है बसों में भर कर जो है पुलिस जो है दिल्ली पुलिस अपना इनको जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो ये यहाँ पे हमें उठा रहे हैं। अब ये नहीं देख सकते कि जो पेपर लीक हुआ है, जो कितने बच्चे परेशान है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 यहाँ पे लाखों बच्चे का जिंदगी की बात है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, और जो भी आप देख लीजिए उसके जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को और मोदी को समझना चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे रोड पे जो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बसों में भर कर जो है यहाँ से एनएसयूआई के लोगों को ले जाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, और जो ये नारा लगा रहे हैं आवाज दो हम एक हैं, हम उसी नहीं, यह सरकार पेपर लीक की सरकार है, यह सरकार छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। ऐसा कोई पेपर नहीं जो सही करा पा रहा है, जब ये छात्रों के पेपर सही नहीं करा पा रहे हैं क्या देश खाक चलाएंगे? ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये छात्रों को पेपर भी बेचने का काम करती है, देश को बेचने का काम तो कर ही रही है, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ। तो यहाँ पे किस तरह से नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार सरकार को जब तक नीट का एग्जाम नहीं कराएगी दोबारा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार की नाकामी है जो छात्रों के साथ पुलिस का सहायता लेकर बलवत्ता पूर्वक छात्रों को गिरफ्तार कर रही है, उनको घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और केंद्र सरकार अपनी एक भी नाकामी को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बलवत्ता पूर्वक। तो हमने देखा किस तरह से जो है एनएसयूआई के लोगों को यहां से पुलिस जो है डिटेन करके ले जा रही है, बसों में भर कर जो है दिल्ली पुलिस। आज संसद का पहला सत्र भी चल रहा है, पहला दिन आज 280 सांसद जहां संसद में शपथ ले रहे हैं, वहीं संसद के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट के एग्जाम को लेकर, जो गड़बड़ियां हुई हैं। लगभग एक महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार ने जो लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, और इस बात को लेकर एनएसयूआई जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और बस में जो है हम देख रहे हैं किस तरह से एनएसयूआई के लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस ने जो है एनएसयूआई के लोगों को डिटेन कर दिया है, और इनको अपने साथ और बैरिकेड हम देख रहे हैं, घिर से जो है बैरिकेड लगा रही है। एनएसयूआई का साफ कहना है कि एनटीए को रद्द किया जाए, एनटीए को भंग किया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान इसकी बात है, और बस में भरकर जो है इस तरह से जो है अभी इनको लेके जाया जा रहा है, पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है। जहां आज संसद में पहला सत्र, 280 सांसद जो अपना शपथ ले रहे हैं, वहीं बाहर में है, इनको डिटेन किया जा रहा है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजक कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ जनहित आवाज़, धन्यवाद।